किरतपुर नेरचौक फोरलाइन सड़क मार्ग के निर्माण कार्य में कार्यरत ठेकेदारों के करीब 150 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं मिलने के कारण कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने आक्रामक रुख अपना लिया है। गौरतलब है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किरतपुर नेरचौक फोरलाइन सड़क का निर्माण कार्य करीब 2 वर्षों से अवरुद्ध पड़ा है। किरतपुर नेरचौक फोरलेन सड़क मार्ग के निर्माण कार्य में कार्यरत ठेकेदारों की करीब 150 करोड़ रुपए की धनराशि न मिलने के चलते कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने आक्रामक रुख अपना लिया है। गौरतलब है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किरतपुर नेरचौक फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य करीब 2 वर्ष से अवरुद्ध पड़ा था। वीरवार को इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य फिर शुरू हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने पूर्व में किए गए निर्माण कार्य की बकाया धनराशि की मांग उठाते हुए काम बंद करवा दिया। शुक्रवार को कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने जिलाधीश विनय धीमान के साथ बैठक कर उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। इस दौरान जिलाधीश ने कॉन्ट्रैक्टर यूनियन को आश्वासन दिया कि उनकी धनराशि को दिलवाने के प्रति प्रशासन उन्हें पूरा सहयोग देगा, लेकिन साथ ही उन्होंने आग्रह भी किया कि कॉन्ट्रैक्टर यूनियन निर्माणाधीन किरतपुर नेरचौक फोरलेन के निर्माण कार्य को बाधित न करे। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के अध्यक्ष अशोक कुमार और सचिव हेमराज ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी बकाया धनराशि नहीं दी जाती तब तक किसी भी सूरत में निर्माणाधीन फोरलेन का काम नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि वो निर्माण स्थल पर अपने परिवारों सहित धरना प्रदर्शन कर काम को बाधित करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर यूनियन का कहना है कि बैंकों से ऋण लेकर उन्होंने इस महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य में अपना सहयोग दिया, लेकिन उनके मेहनताने की धनराशि नहीं मिलने के चलते वे अब सड़क पर आ चुके हैं। ऋण से संबंधित बैंकों ने उन्हें उनकी संपत्ति की नीलामी के नोटिस देने आरंभ कर दिए हैं और उनके पास अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी कुछ नहीं है। आज जिला प्रशासन ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है, उसमें NHAI के लोग भी आएंगे, सारे कॉन्ट्रैक्टर भी होंगे और हमारा तकरीबन जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो 150 करोड़ के करीब भी हमारा पैसा इसमें फंसा हुआ है। इसमें लोगों को कोई लोन लिया हुआ है, कुछ लोगों की अभी किस्तें नहीं जा रही हैं तो कुछ की गाड़ियां उठ गई हैं, कुछ की ज़मीन की नोटिस आ रहे हैं, वो है। तो हम प्रशासन से ही उम्मीद करते हैं भी वो हमारी बात है, इसको ढंग से आगे NHAI को बताए और हमारा पैसा दिलाए। इन्होंने NHAI में किरतपुर से लेकर के नेरचौक तक काम किया और जो प्रिंसिपल कंट्रैक्टिंग कंपनी थी वो यहाँ से भागी, ILFS इंसॉल्वेंट हो गई है, ITNL इंसॉल्वेंट हो गई है। अब यहाँ जो गरीब लोग हैं, जो कंट्रैक्टर एक एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिन्होंने यहाँ पर लिया, उनका करीब 150 करोड़ रुपया है जो अभी तक हमारा नहीं मिला। और सारे जो इक्विपमेंट जिन्होंने खरीदे लोन पर लिए, वो सारे जो लोन है उसकी रिकवरी आ रही है और जो पैसा है हमको नहीं मिल रहा। हमारा ये कहना है, हमने इसके बारे में मेमोरेंडम जो है प्रशासन को भी दिया, मुख्यमंत्री को भी दिया और हम आज एक मीटिंग यहाँ पर जिला प्रशासन ने बुलाई है। वहाँ हमारा यही आग्रह रहेगा कि भाई NHAI अपने आप मानती है कि हमने 1100 करोड़ रुपया ILFS का देना है। हमारा कहना है कि भाई 1100 करोड़ में से 150 करोड़ जो गरीब लोग हैं, जो किसान है बेसिकली, इनको ये पैसा दे दिया जाए और अपना ये सारा काम चलाए यहाँ। कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के इस रुख से अब किरतपुर नेरचौक सड़क निर्माण कार्य खटाई में पड़ता दिख रहा है। अब भविष्य में देखना होगा कि कितने समय के उपरांत इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू होता है और साथ ही प्रशासन ठेकेदारों की बकाया धनराशि को दिलवा पाने में सफल होता है या नहीं। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से कैमरामैन राज के साथ मुकेश गौतम की रिपोर्ट।